मैं आपके बीच राकेश चौधरी, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब बढ़िया होंगे। चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम जो 23 जुलाई को होने वाला है दोस्तों, उसके जो जीके के 50 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, उन 50 में से आप कम से कम भी 40 प्लस स्कोर आप गेन करना चाहते हो, हमारे द्वारा चलाए गए यानी कि ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, अंतिम 7 दिन यानी कि 7 दिनों के अंदर यानी कि जो आपको 2250 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए को दोस्तों, तो आपका चंडीगढ़ पुलिस में जीके के पोर्शन में आप पास आउट हो जाओगे। पास आउट तो आपको करना नहीं, आपको तो कंपटीशन में यानी कि नंबर 1 पे आना, आपको तो वर्दी चाहिए दोस्तों। तो आज बात करते हैं दोस्तों अपने चंडीगढ़ पुलिस के इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर उसको ले सकते हो दोस्तों। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। एक पावर हाउस बराबर होता है, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर बार बार रिपीटेड होता है। रेलवे का, एसएससी जेडी का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट रहेगा। बात करते हैं चंडीगढ़ पुलिस पे। एक पावर हाउस बराबर होता है दोस्तों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा बढ़ा नहीं है। देखिए दोस्तों, एक पावर हाउस जो बराबर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ये आपके 746 वाट पे, किस पे दोस्तों, 746 वाट पे। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या बी। तो पावर हाउस आपको ध्यान देना दोस्तों, शक्ति, ठीक है, 740 वाट। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा आपके 740। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपोर्टेंट है, यानी कि काफी सारी गैसें होती हैं जो इंपोर्टेंट रहती है, लेकिन आपको इसमें से क्या बतानी है, कौन सी नहीं है। तो कई बार क्या करते हैं अपन, पर्सन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और नहीं नहीं देखते, हाँ देख लेते हैं और क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक मार देते हैं। यही तो गलती करते हैं। इसने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपको बताना है, हरित गृह गैस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो मीथेन दी गई है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान नहीं करती, या करती है दोस्तों ये बताइए। देखो मीथेन भी करती है, CH4 करती है, जलवाष्प करती है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड करती है और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड करती है, लेकिन आपको ध्यान देना है वह दिया गया आपके, सॉरी इसको, नाइट्रोजन। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि गोबर गैस में मीथेन होती है तो उसको टिक कर देते हैं। देखो यहां पे इफेक्ट करती है आपके नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बता रहा हूं। तो यहां पे बच्चे क्या करेंगे, नहीं नहीं देखते, सीधा ये देते ग्रीन हाउस आ गया तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक लगा देंगे, ऐसी गलती नहीं करना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से रिलेटेड दो बातें और सीख लो भाई। नाइट्रोजन अगर आपसे बोल दे कोई कि पृथ्वी के वायुमंडल में इसका प्रतिशत कितना पाया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा हूं मैं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर, पृथ्वी के वायुमंडल में इसका जो परसेंटेज पाया जाता है वो दोस्तों 78.08% पाया जाता है। तो पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 78.08% याद रखना। लेकिन पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है दोस्तों, CO2 की जो मात्रा है वह 0.03% आपको ध्यान देनी है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बार बार इंपोर्टेंट आता है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है, तब आपका जवाब रहेगा ऑक्सीजन, यानी कि O2 है, लगभग 20.95%, या आप बोल सकते हो 21% आपकी कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर क्या रहेगा भाई, नाइट्रोजन, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान नहीं करती दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी कि आपको बेकिंग सोडा बताना है, आपको वॉशिंग पाउडर नहीं बताना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये कई बार पजल रहता है कि सर खाना, देखो आपको याद रखना जो खाना है दोस्तों वो हमारे घरों में कौन बनाती है, बाई बनाती है, एक ये शब्द याद रखना, क्या करती है, बाई बनाती है। अब बाई खाना बना देती है, खाना बना दिया घर चली गई, उसके बाद में जो भी काम है वो आपको करना है, जैसे आप कपड़े धोगे यानी कि धोने के लिए आपको जिम्मेवार। तो इसमें एक शब्द याद रखना, सोडियम, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट अगर कर रहे हो तो यानी कि खाना किसने बना दिया, बाई ने बना दिया, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा आपके खाने का सोडा, जिसके लिए सिंबल याद रखना है NaHCO3, आपको ध्यान देना है, ये खाने का सूत्र है दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट, उत्तर संख्या हो जाएगा आपका बी। लेकिन सोडियम कार्बोनेट करोगे दोस्तों तो याद रखना ये एक आपके धावन सोडा है, धोने का सोडा है, यानी कि धावन सोडा है, जिसके लिए Na2CO3
थ्री आपको ध्यान देना दोस्तों, ये आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, ना कि ए ऑप्शन। ये दोनों पजल बहुत करते हैं। जैसे बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ, बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ, तो आपका बोला पड़ता है सी ए ओ। ये तो हो गया चूने का सूत्र। बुझे हुए चूने का सूत्र का मतलब क्या है कि चूने में पानी डाल दिया, चूने में पानी डाल दिया, बुझ गया ना, तो यानी कि चूने में पानी डाल दिया, यानी कि चूने का आपको याद रखना है सी ए ओ प्लस में एच टू ओ, ये आपको याद रखना है। तो इसको आप सोल्व कर लो, सी ए ब्रैकेट ओ एच यानी कि टू, ये आपका किसका हो जाएगा, चूने का, बुझे हुए चूने का दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में होता है डैश सूखा रोग, यानी कि रोग क्या बोला है, रिकेट्स रोग, और ये विटामिन किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो आपको बताना है विटामिन डी की कमी से। किससे होता है दोस्तों, डी की कमी से। सूर्य की रोशनी से हमारा जो शरीर या हमारे शरीर की जो बॉडी या हमारे शरीर की त्वचा है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, या हमारे ट्यूबलाइट या बल्ब के प्रकाश को ग्रहण करती है, तो अपने आप विटामिन डी को उत्पन्न करती है। तो कई विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि सूर्य ने सर हमें विटामिन डी दिया है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा, सूर्य कुछ नहीं कर रहा, विटामिन डी आपका शरीर उत्पन्न कर रहा है जब प्रकाश आपको प्राप्त होता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो, चाहे आपके किसी भी चीज का प्रकाश होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। तो निम्नलिखित में से रिकेट्स रोग नामक जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। कई बार आप एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग होता है, ये आपको ध्यान देना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि अचानक से मुंह से खून आ रहा है तो मम्मी बोलती है बेटा क्या कर रहा है, तेरे दांतों से खून आ रहा है, कोलगेट किया कर भाई साहब, यानी कि स्कर्वी रोग दांत से या मसूड़ों से जो खून आता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखना। रिकेट्स की अगर बात की जाए तो विटामिन आपके डी की, और रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि चोट लग गई खून बह रहा है दबा के, बोलते ना अरे यार तेरे तो बहुत सारा खून निकल गया क्या कर रहा है, यानी कि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता जल्दी से, ये आपको ध्यान देना। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखिए, पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह खेल किस खिलाड़ी, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह खेल, यानी कि उस खिलाड़ी का नाम बताना आपको फटाफट, खिलाड़ी तो हो गए प्रशांत सिंह, यानी कि खेल बताना है, शतरंज है, मुक्केबाजी है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस, यानी कि प्रसिद्ध सम्मानित प्रशांत सिंह खेल, ये इंपोर्टेंट पर्सन है। अगर जिस विद्यार्थी ने इसका कमेंट सेक्शन फटाफट कर दिया मेरे द्वारा, उसको ₹10 फोन पे किया जाएगा, अगर मुझे पता चल गया वाकई में उसका करंट अफेयर भी बढ़िया है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे, यही तो गलती करते हो, यहां पे क्या करते हो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष आए थे, तो आने की सोचते हो, यहां पूछ रहा है किस वर्ष गए थे, तो आपका राइट उत्तर क्या रह जाएगा दोस्तों, 1893 में। कब गए थे, 1893, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि कब गए थे, तो आपका जवाब हो जाएगा 1893, लेकिन आए पूछे तो 1915 में 9 जनवरी को, तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इसका राइट रहेगा दोस्तों। 1905 की घटना आपको याद रखनी है, बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए, विभाजन तो बंगाल विभाजन को रद्द की अगर बात आ जाए, रद्द तो रद्द किया गया था 1911 में, यह इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल विभाजन पूछे तो 1905, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए तो 1911, आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक बात हो याद रखना, बंगाल विभाजन के समय आपके जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, आपको ध्यान देने। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन लौट कब रहे हैं, 1915 को। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए भाई, क्या दिया गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत का जो लेटिट्यूड ये क्षेत्र, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कैसे, ये आपका ग्लोब है, ये क्या है आपका ग्लोब। अब ये भूमध्य रेखा और इसके समांतर खींची गई ये जो रेखाएं हैं, इसे बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार, यानी कि फैलाव। सपोज करो कि भारत यहां पर है, भारत है यहां पर है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन से
अक्षांश से लेकर कौन से अक्षांश तक है, वही तो बात कर रहा है। तो भारत का अक्षांश से विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, याद रखना दोस्तों। ग्लोब या वृत्त पे कोई भी जो रेखा खींची जाती है वो एक डिग्री में होती है, किसमें होती है दोस्तों, डिग्री में होती है। और दो डिग्रियों के बीच की जो डिस्टेंस दूरी होती है वो डिग्री 60 मिनट का एक डिग्री होता है। यहां मिनट टाइम वाले को नहीं बोल रहा मैं, डिग्री से छोटी इकाई को मिनट के रूप में पढ़ा जाता है, जिसको दर्शाने के लिए आपको इस प्रकार का सिंबल लगाना पड़ता है। तो यानी कि प्रॉपरली कोई रेखा से हो गई तो वो डिग्री में है, अगर 60 मिनट से तो वो डिग्री स्टार्ट होती है। तो याद रखना ये भारत की 8 डिग्री 4 मिनट, और भूमध्य रेखा से ऊपर है तो ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसलिए इन रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश के नाम से दर्शाते हैं। तो आपका यहां पे जवाब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कहां तक भारत है तो वो आपको बताना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका भारत का अक्षांश से विस्तार। अगर आपने पढ़ा है टीचरों से तो आप बिल्कुल बता दोगे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश से विस्तार, जो कन्याकुमारी से लेकर आपके लेह लद्दाख वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्न में से कौन है। छोटा सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या बोला है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, लेकिन जिस राज्य में वो राज्यपाल के रूप में पद धारण करता है तो उस पद धारण से पहले उसको ओथ दिलाई जाती है, यानी कि शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ कोई और है तो नियुक्ति कोई और है, क्या दोनों एक ही कंडीशन है या कोई एक व्यक्ति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति उसकी क्या करता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन उस राज्य में वो पद को ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है और शपथ दिलाता है उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो अन्य में से वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको पद की शपथ दिलाएगा। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो यहां पे पर्सन ओनली फॉर क्या पूछा है, उसकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति की बात करा है तो वो कौन सा व्यक्ति दिलाता है। तो आपका यहां पे सिंपल सा राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जबकि वहां के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस राज्य के, ठीक है ना, हाईकोर्ट का। तो अगले प्रश्न की ओर देखें दोस्तों क्या दिए, महात्मा गांधी के डैश के विरुद्ध थे, यानी कि इनमें से महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे दोस्तों, मंद औद्योगिकरण के लिए, तीव्र औद्योगिकरण के लिए, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति के लिए, औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति के लिए दोस्तों। तो यहां पे याद रखना महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे, तो ये आपका राइट उत्तर होगा तीव्र औद्योगिकरण के लिए, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, लेकिन इसके पक्ष में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं दोस्तों, वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो वसा में घुलने वाले विटामिन के यहां प्रकार पूछ रहा है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि वसा में घुलने वाले विटामिन की संख्या कितनी होती है। संख्या की अगर बात आ जाए, संख्या की, तो आपका जवाब रहेगा सर संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं वसा में घुलने वाले, तो विटामिन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3, लेकिन संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना ए डी ई और के, यानी कि ये आपको याद रखने हैं ये वसा में घुलने वाले। लेकिन कई बार प्रश्न आता है सर जल में घुलने वाले विटामिन की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलते हैं सर उसे बी और सी के नाम से जाना जाता है, जो जल में घुलते हैं। इस प्रश्न को मत पढ़ना, नहीं आएगा। लेकिन यहां पे ऐसा आ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यानी कि एस्कोर्बिक एसिड तो विटामिन के नाम है दोस्तों, जैसे विटामिन ए का रेटिनोल नाम है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन B1, B2 अलग अलग नाम है इनको, तो आपको एक ही याद रखना, विटामिन बी पूछे तो थायमिन बताना है,
विटामिन सी की अगर बात पूछे तो आप क्या बताओगे? एस्कोर्बिक अम्ल। और क्या प्रश्न पूछा है? निम्न में से किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड या अम्ल के नाम से जाना जाता है। टेकोफेरोल विटामिन डी को कहा जाता है या कैल्सिफेरोल विटामिन डी को कहा जाता है? कमेंट करके सारे विद्यार्थी मुझे बताएंगे दोस्तों। आगे देखिए, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? अगर आप खाना बना रहे हो तेज या मंद आंच के ऊपर, उसके अंदर अगर आप कौन से विटामिन को डालोगे वो नष्ट हो जाएंगे। विटामिन सी को डालने पर वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? खत्म हो जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो नींबू को बनाते समय नहीं डालना, खाते समय उसका प्रयोग करना। तो यहां पे आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है दोस्तों? तो आपको ध्यान देना, किस ताप पर पानी का डेंसिटी अधिक होता है? तो आपको 4 डिग्री करोगे या 100 डिग्री करोगे ये फटाफट से बता दो आप, या 0 डिग्री करोगे बताओ फटाफट से। तो यानी कि किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, तो वो आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो किस ताप पर पाया जाता है? तो आपका राइट उत्तर होगा यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है या 100 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है, फटाफट से बताइए भाई साहब। बताइए दोस्तों फटाफट से। अरे 4 डिग्री पे थोड़ी भाई साहब, ठीक है ना? तो अधिकतम की बात कर रहा है। देखो अधिकतम यहां पे अधिकतम कब होगा आपके? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए क्या दिखे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित किस पहलू से संबंधित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल से बहुत इंपोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। जैसे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति को बताता है, आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत नहीं छुआछूत को अस्पृश्यता का अंत से रिलेटेड है, 18 की बात पूछे तो उपाधि। उसी प्रकार से आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत की सिटीजन यानी कि नागरिकता को दर्शाया जाता है। तो यहां पे आपका सिटीजनशिप हो जाएगा भारत की नागरिकता। एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत की नागरिकता की जैसी जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, एकल प्रकार की या दोहरी प्रकार की? तो यहां पे इंपोर्टेंट बात याद रखना कि भारत की नागरिकता एकल प्रकार यानी कि इकेरी सिंगल सिटीजनशिप है, आपको ध्यान देना। वहीं पर अगर बात की जाए अमेरिका की नागरिकता की, वह डबल यानी कि दोहरी नागरिकता आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या देते हैं, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुरुजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कई बार पढ़ा है कि भारत में गेहूं कहां होता है, मसाले कहां होते हैं, चना कहां होता है, बाजरा कहां होता है। एक सुपारी एक मसाले का रूप है दोस्तों, बस यहीं से समझ जाओ। तो मसाले भारत में उत्पादन करने में दक्षिण भारत का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र आते हैं, लेकिन सुपारी की अगर बात की जाए तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। वहीं पे अगर बात की जाए कि सर मसाले के हो, मिल गया ना, तो मसाले भी पूछे तो केरल। अगर आपसे पूछे नारियल का उत्पादन भी सर्वाधिक कहां होता है तो केरल। अगर आपसे पूछे कि जूट का उत्पादन कहां होता है, पटसन जिसे बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, उत्तर प्रदेश में। चावल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। तंबाकू की बात की जाए तो आपको बताना है गुजरात या आंध्र प्रदेश, फटाफट से कमेंट करके बता तंबाकू उत्पादन कहां होता है। अरे याद रखना तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में है, गुजरात का नंबर दूसरा है। तंबाकू में पाए जाने वाले नशीले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके बता सकते हो आप। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिखाए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी को
खूब सारे नामों से जाना जाता है, जिसे अर्ध नंगा फकीर, ठीक ना, देशद्रोही कहा जाता है, बापू कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये राष्ट्रपिता कहकर संबोधित, यानी कि सबसे पहले इसे राष्ट्रपिता संबोधित कौन करवा रहा है, वही तो बात पूछ रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा, उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं महात्मा कहा था, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। अब बोलो गुरुजी राष्ट्रपति रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हो? देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको महात्मा कहा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसको क्या बोला है भाई? राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारत के किस राज्य में लोकेट है? फटाफट से कमेंट आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिए, खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर याद रखना दोस्तों, यह एक जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है या एक ये रेतीले मिट्टी के प्रकार है। इसने क्या बोला है कि खादर और बांगर, याद रखना दोस्तों, जो ये बांगर है इसको बांगर, ये बांगर लिखना था, इसको बांगर कर लो आप, बांगर। ये दोनों जल के द्वारा लाई गई बिछाई गई मिट्टी के प्रकार है। जल के द्वारा मिट्टियां आती हैं, कुछ समय तक आ रही हैं, लेकिन कुछ समय वहां पे जल का पानी नहीं आता, यानी कि नई मिट्टी नहीं आती, तो वह मिट्टी बांगर का रूप लेती है। किसका लेती है? बांगर का। तो आप ये समझ गए कि सर बहुत सालों पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, लेकिन नदियां लाके छोड़ रही है, नदियां फिर भी आ रही है, पानी आ रहा है, वहां एक नई उपजाऊ मिट्टी छोड़ी जाती है जिसे खादर कहा जाता है। जब नदी कोई मृदा को या कोई अपसाद को लेके आ रही है तो उस क्षेत्र को जलोढ़ पंख या जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पे आपका हो जाएगा जलोढ़, क्या हो जाएगा? जलोढ़। एक छोटा सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में, हाँ, इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के अकॉर्डिंग भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? मुख्य रूप से 8 प्रकार में। कितने प्रकार में? 8। इन 8ों में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तब भी आप बोलोगे जलोढ़। कई बार प्रश्न आता है कि गेहूं उपजाऊ के लिए कौन सी मिट्टी रहती है? तो जलोढ़। लेकिन चावल के लिए आपको बताना है, अगर ऑप्शन में दो हैं जलोढ़ और चिकनी, तो पहली प्रायोरिटी देनी है चिकनी को। चिकनी नहीं है तो जलोढ़ बताना है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जाने जाती है? तब आपको बतानी है लेटराइट मिट्टी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, बांगर और खादर एक आपके जलोढ़ मिट्टी का भाग है। आगे देखिए क्या देखे, तमानी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रेगिस्तान बहुत सुने आपने, जैसे सहारा हो गया, थार हो गया, लद्दाख हो गया। दो बातें करता हूं, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल की अगर या रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख आपको बताना है। भारत का सबसे गर्म की बात की जाए तो आपको बताना है सर थार मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल बताना है। विश्व के बड़े मरुस्थल की बात करें तो आपको बताना है सहारा। जबकि यहां क्या पूछा है, तमानी मरुस्थल पड़ता है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहां पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस के लिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि गेहूं की उपज सबसे ज्यादा तैयार होती है, वह देश बताना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कृषि क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय लेवल बड़ा क्षेत्र जो है वो चाइना, यूएसए, भारत, इन्हीं को गिना जाता है, लेकिन गेहूं उत्पादन में चाइना का नाम एक नंबर पे आता है। तो गेहूं चावल याद रखना, ये कहां ज्यादा होते हैं? तो आप बोलोगे सर चीन में। जबकि गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे राज्य पूछे तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह ऑप्शन संख्या आपके चीन हो जाएगा। एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको कि गेहूं
गेहूं आपको ध्यान देना कि प्रति भूमि हेक्टेयर किस राज्य में ज्यादा उत्पादन होता है, तब आपका जवाब रहेगा पंजाब, प्रति भूमि हेक्टेयर पर। जैसे चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल ज्यादा करता है, प्रति भूमि हेक्टेयर में ज्यादा करता है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा या आपके धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक और बात याद रखना कि गेहूं के लिए जो मिट्टी है उसे जलोढ़ के नाम से याद रखना। जैसे बाजरे के लिए ब्लुई या रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है ना, तंबाकू के लिए याद रखना लाल मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। कई बार क्या होता है, फसलों का संबंध उसकी मृदा से या उसके टेम्परेचर से या उसके मानसून से या उसके मौसम पे निर्भर कर लेता है। बहुत बार प्रश्न आते हैं, जैसे फसलों को हम ऋतुओं के अनुसार देखते हैं तो हम फसलों को ऋतु के अकॉर्डिंग तीन भागों में पढ़ते हैं, जैसे सर्द और आपके ग्रीष्म में, और एक आपके जो पतझड़ होता है जिसमें जायद होता है, शीत में पढ़ते हैं जब उसको हम बोलते हैं क्या भाई साहब, रवि की फसलें। जो ग्रीष्म काल में जो अब चल रही हैं उनको बोलते हैं आपके खरीफ की फसलें। तो उसकी तुलना यहां से कर सकता है कि गेहूं किस ऋतु की फसल है, तो आपका यहां जवाब हो सकता है कि सर ये शीत ऋतु यानी कि रबी की एक फसल है, और रबी की फसल में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो गेहूं का ही है मेरे दोस्त। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली फसल का नाम बताइए, तो अब आपका जवाब होगा धान। क्या बताओगे, धान। भारत में किस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, तो धान बताओगे। भारत में किस फसल को सबसे ज्यादा बोया जाता है, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा, धान। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है। दोस्तों याद रखना, आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है, विजयवाड़ा याद रख लेना, वाड़ा एक वॉइस से पता चल रहा है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, जबकि आंध्र प्रदेश का विजयनगर कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसे बोलते तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जिसे बोलते मूसी, और मूसी के किनारे शहर का नाम है हैदराबाद, लेकिन तुंगभद्रा के किनारे है विजयनगर, लेकिन विजयवाड़ा पड़ता है कृष्णा के किनारे। तो याद रख लेना, इंपोर्टेंट पर्सन है। तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका डी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक आया है जौनपुर, एक है जबलपुर, दोनों अलग अलग है। जौनपुर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जबलपुर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। जौनपुर पड़ता है गोमती नदी के किनारे, जबकि जबलपुर पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बता रहा हूं। एक और बात याद रखना, कटक शहर किस नदी के किनारे है उड़ीसा का, तो आप बोलोगे महानदी। तो नदियों से रिलेटेड उसके किनारे पूछ लिया जाते हैं, जैसे झेलम के किनारे श्रीनगर, सिंधु के किनारे कराची ले, आपको याद रखना है। जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती नदी के किनारे, गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी नदी के किनारे। तो ये आपको शहर नदियां आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारे थ्योरी में करवा दी जाएगी, लेकिन एग्जाम आपका नजदीक है इसलिए थोड़ा फास्टली चलना पड़ रहा है। दोस्तों आगे देखिए क्या दिया गया, थॉम्स कप जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, तो ये एक ही बात पूछ रहा है। एक कप दिया जाता है जिसका नाम है थॉम्स कप, और इस थॉम्स कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। याद रखना, थॉम्स कप तो मिलता है पुरुषों को, लेकिन एक होता है उबेर कप, वो दिया जाता है महिला को। थॉम्स कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, ये सारे जो कप मैं बोल रहा हूं ये दिए जाते हैं बैडमिंटन में। किसमें दिए जाते हैं दोस्तों, बैडमिंटन में, याद रखना दोस्तों। जैसे एक आपने सुना होगा बैडमिंटन और लॉन टेनिस, साइना नेहवाल का संबंध पूछे तो बोलोगे बैडमिंटन, साइना मिर्जा का संबंध बोले तो बोलोगे लॉन टेनिस। लेकिन यहां बात वो याद रखना है कि कई बार क्या होता है, आपको खेल और उसके खिलाड़ी पूछ सकता है दोस्तों। जैसे बैडमिंटन के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है एक या दो, जिस प्रकार टेनिस या लॉन टेनिस में भी प्लेयर होते हैं एक या दो। जबकि एक खेल याद रखना, रग्बी फुटबॉल, जिसको फुट से ना खेलकर हाथ से पकड़ के भागना पड़ता है अपने पाले की ओर, इस खेल में सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं, इन प्लेयर की संख्या होती है 15। कितने होते हैं दोस्तों, 15। जैसे बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं दोस्तों 5,
बोली बोल में प्लेयर होते हैं छह। चोगान जिसे पोलो के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चोगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी, इस खेल में प्लेयर होते हैं चार। जबकि अगर वाटर पोलो में ये खेल हो रहा है तो इसमें प्लेयर की संख्या होती है सात। आपको कबड्डी खेल रहे हो तो प्लेयर की संख्या होती है सात। तो ये खिलाड़ी और प्लेयर का संबंध कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ट्रॉफियों का भी संबंध पूछा जाता है, जैसे आपसे बोल देगा संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल, रंगास्वामी का संबंध किससे, हॉकी से। तो इस प्रकार का आपको कॉम्बिनेशन बनाकर याद रखना अपने माइंड में, जब तक पेपर नहीं होता। पेपर होगा, सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद में भूल जाओ, हमें कोई नहीं लेना। तो इन सभी क्वेश्चन की आप पीडीएफ चाहते हो तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और आपको ये पूरे के पूरे जो 2250 क्वेश्चन है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपका बस एक ही कर्तव्य, वीडियो को अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, लाइक करें और कमेंट करें, और इसी प्रकार आपकी वीडियो डेली मिलती रहेगी। कब तक? 22 जुलाई 2023, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है दोस्तों। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या दिया है, अगरतला किस राज्य की राजधानी? ऐसे प्रश्न बताने वाले नहीं है, चुपचाप कर लेना। आगे देखिए क्या कहता है, हरा सोना किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गोल्ड यानी कि ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में क्या बोलता है? चाय, कॉफी, सोना, चावल। अब ये क्या लिख दिया, हमारी टेक्निकल टीम क्या सो गई थी? याद रखना दोस्तों, ग्रीन गोल्ड के नाम से आता है आपके बांस। क्या? बांस। और याद रखना दोस्तों, बांस एक वनस्पति यानी कि घास है, और बांस का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है ये भारत के असम में, असम, ये आपको ध्यान देना है। तो हरा सोने के नाम से किसे बोलते हैं? बांस को। तो यहां हो जाती है गलतियां, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नाश्ता बच्चे को अधिक शक्ति प्रदान करता है? देखो, लॉजिकल पर्सन है, साइकोलॉजी पर्सन है, आ जाते हैं और होते भी जरूर, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 50 में से कुछ भी बन सकते हैं, और हमें 50 में से 40 प्लस तो लेके आने हैं भाई, सब सिलेक्शन लेना है। तो इनमें से कौन सा नाश्ता बच्चे को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है? कॉमन सी बात है सर, उसे चिप्स थोड़ी खिलाएंगे, चिप्स खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा मेरे जैसा, ठीक है ना, उसे दूध पिलाया जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है कि जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ पौधों का, वनस्पति बोल दो, या आपके जीवों का सड़ के गल के जो प्राप्त होते हैं उसको जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। और जीवाश्म ईंधन आपको याद रखना जो अवसादी चट्टानों का भाग है, किसका? अवसादी, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोयला। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोयला, ठीक है ना। तो जीव पेड़ पौधों वनस्पति के सड़ने गलने से जो प्राप्त होते हैं वो कोयला और पेट्रोल, पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल। तो ये पर्सन इंपोर्टेड है, ईवीएस पर्यावरण से, प्रकृति से रिलेटेड पर्सन है। तो कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो कई बार प्रश्न आ सकता है कि कोयला और पेट्रोल कौन से चट्टान के भाग हैं, तो याद रखना अवसादी, अवसादी चट्टान से पहले चट्टान बनती है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जन्म देती है अवसादी चट्टान को, आग्नेय चट्टान ही जन्म देती है अवसादी चट्टान और प्लस कायंत्री चट्टान को। और याद रख लेना, इसी कारण आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान और चट्टानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसी की चट्टान से अन्य चट्टाने बनती हैं। मुख्य रूप से चट्टाने तीन प्रकार की होती है। कई बार प्रश्न आता है ना, ग्रेफाइट किस चट्टान का रूप है? आग्नेय सेल्स का, ये याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, हाँ प्रश्न लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। चलो देखिए प्रश्न, पीडीएफ कहाँ गई, टेक्निकल भी बहुत आधे काम करती है, कोई नहीं, अब अपन लगा लेंगे प्रश्न, कहाँ पे मिलेंगे। देखिए भाई साहब, वीडियो को शेयर करें इतने आप, देखिए 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 कहाँ गई, बस
सर लगा लेते हैं अभी, रुको एक मिनट आ जाएगी। देखिए बोला लग गई, शानदार प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया गया ध्यान से देखना, प्रश्न बोलता है कि राजा अशोक, राजा बोल दो चाहे सम्राट अशोक बोल सकते हो, अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था। याद रखना दोस्तों, अशोक का चाहे प्रथम युद्ध बोलो चाहे अंतिम युद्ध बोलो, अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, जो बहुत बड़ा युद्ध जिसमें लाखों नहीं हजारों हाथियों को प्राप्ति के लिए लड़ा गया, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए और इन सैनिक की मृत्यु के कारण आसपास का पूरा क्षेत्र लाल हो गया, यानी कि पानी लाल, जिसके कारण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के एक बौद्ध नीति यानी कि धम्म नीति को अपना लिया और वो युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व, आपको ध्यान देना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। वही कलिंग है जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। याद रखना उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग, कलिंग की राजधानी होती थी कटक, लेकिन आज उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जबकि उड़ीसा का शहर है कटक। और कटक किसके लिए याद रखोगे, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कटक, जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की कैपिटल मनीला। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे प्रश्न आता ना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका राइट उत्तर रहता है कि सर शिमला में। जैसे प्रश्न आता ना कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है, सर कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें भाई साहब। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासागर का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बनना ही संभव है भाई साहब। विश्व का बड़ा और गहरा पूछे, एक ही बताना है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो यहां का जो राइट उत्तर रह जाएगा ऑप्शन संख्या सी राइट रहेगा दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर महासागर में से एक बात कई बार बनती है कि भूमध्य सागर और लाल सागर और महासागर इनमें अंतर क्या है, एक तो है महासागर और एक है सागर, अंतर क्या है। अगर जल स्तर का लेवल काफी बड़ा है और जिसके एक ओर से भूभाग टच होता है उसे सागर पढ़ते हैं, लेकिन यह सागर बड़े लेवल पर है तो इसके संज्ञा दे दी महा की, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सागर से बड़े जो होते हैं वो महासागर काउंट होते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, बस्तर भारत के कौन से राज्य में, बस्तर एक खनिज उत्पादन क्षेत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बस्तर एक छत्तीसगढ़ का जिला है दोस्तों। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रश्न जो बनेगा वो आपके क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में याद रखना जो महानदी का उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, किस नदी को तिब्बत में, तिब्बत मतलब चीन में, किस नदी को तिब्बत यानी कि चीन में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है दोस्त। अगर मानसरोवर झील से, अगर क्या मानसरोवर झील से जब आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है तब यह सिंगी खम्बन के नाम से पुकारी जाती है, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान देना, तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा सिंधु। लेकिन मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का जब उद्गम होता है तो तिब्बत या चीन में उसे सांगपो के नाम से जानाता है। तो यहां पे दो बातें हो गई, एक तो सिंगी खम्बन और एक सांगपो। तो सांगपो की अगर बात आ जाए तो आपको जवाब याद रखना ब्रह्मपुत्र, क्या याद रखोगे ब्रह्मपुत्र, समझ गए ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि तिब्बत नाम आ गया तो तिब्बत में तो सांगपो है, सांगपो है, भारत में आ गए तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। तो भाई इसने अलग बात पूछे, सिंगी खम्बन सिंधु को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां का राइट उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन बगान किस खेल की टीम है दोस्तों, ये रिपीटेड भी हो चुके हैं पीछे वाली वीडियो में, देख लेना इसको, फुटबॉल से, किससे दोस्तों फुटबॉल से। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पे दो बातें निकल के आती है, एक तो निकलती है राज्यसभा, क्या निकलती है दोस्तों राज्यसभा,
तो राज्यसभा की अगर बात पूछे तो याद रखना दोस्तों, राज्यसभा सदन की अगर बात करें और राज्यसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो दोनों बातें अलग अलग हैं। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य कार्य का सदस्य काम करते हैं या कार्य कर रहे हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो याद रखना, यहां पे सदस्यों की बात कर रहा है तो आप 5 मत बोलना, 6 वर्ष बोलना। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष और राज्यों में विधान परिषद के मेंबर्स का भी जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या दिखे, पहले किस खेल से संबंधित है, पहले किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या बेसबॉल से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से या बेसबॉल से, हॉकी से। तो सभी को पता है पेले एक फुटबॉल प्लेयर है दोस्तों, अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या दिए गए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों। विश्व बैंक का जो दोस्तों मुख्यालय है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि WB की बात कर रहा है और जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपके Washington DC, अमेरिका की राजधानी Washington DC में लोकेट है दोस्तों। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा Washington DC। कई बार एग्जाम में आता है कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है, लेकिन आपको पूछ लेगा UNO का मुख्यालय कहां पे है, तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क में आपको हो जाएगा दोस्तों। लंदन में किसका मुख्यालय है भाई साहब, बताइए, यूनेस्को का या और किसी का, फटाफट से कमेंट करें। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है या लंदन में है दोस्तों, बताइए भाई फटाफट से। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा स्थान 1857 की क्रांति को शुरुआत से संबंधित है, यानी कि शुरुआत से संबंधित है, ये शुरुआत पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। 1857 की क्रांति शुरुआत से संबंधित है, बताइए भाई फटाफट से। कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो मेरठ से है या आपके बेरकपुर से। देखो 1857 की क्रांति की पहली घटना पूछे तो आपको बताना है बेरकपुर, लेकिन इतने शुरुआत पूछा तो शुरुआत हो जाएगी आपकी मेरठ से, और मेरठ ना हो तो आपका नाम मिलेगा 20VNI नेटिव इन्फेंट्री, ये आपको बताना है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां पे हुई थी, जो मंगल पांडे ने विरोध किया था, किसका, चर्बी वाले कारतूस का, बाप और हायूस ने नामक व्यक्ति, अंग्रेजों ने मंगल पांडे की हत्या कर दी, बेरकपुर छावनी जिसे 34वीं NI के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जहां ब्राउन बेस बंदूक को बंद करके रॉयल इनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया गया था, समझ रहे हो मेरी बातें। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस के लिए GS के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपको बता देता चाहता हूं दोस्तों, जो कल आपकी लाइव क्लास चलेगी शाम को 6 बजे GK की, बहुत ही धमाकेदार 300+ क्वेश्चन उसके अंदर आपको कराएंगे, तो सारे विद्यार्थी हमारी क्लास 6 बजे 6 PM पर जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और इसकी PDF चाहने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो वहां पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हो और आपको ये PDF मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो प्रथम भारतीय पूछेगा तो दो बातें दिमाग में आ गई, सर महिला बताए पुरुष, तो भारतीय पूछ रहा है तो आपको पुरुष बताना है भाई साहब। और सबसे पहले किसे मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को, जबकि 1979 में किसे मिला था, मदर टेरेसा को। तो इसमें ऑप्शन में आप देख लेना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।